आईटी विभाग ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। धारकों को विलंब शुल्क 1000 भी देना होगा। सीबीडीटी ने बयान में कहा कि 31 मार्च 2023 तक जिन करदाताओं ने आधार कार्ड के बारे में जानकारी नहीं दी है, अप्रैल महीने की पहली तारीख से करदाताओं का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय होने के बाद से आदान प्रदान में भी असुविधा आएगी। पैन आधार लिंक के लिए वसूले जा रहे शुल्क को लेकर आम लोगों में खासा गुस्सा है। लोग इसे सरकार की तानाशाही बता रहे हैं। वहीं विरोधी दल के नेताओं ने कहा कि वह लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। 31 मार्च 2023 का जो तिथि डेडलाइन जो निर्धारित की गई है इनकम टैक्स के तरफ से, न तो इसकी पूर्व सूचना किसी भी पब्लिक रिलेशन माध्यम से जनता को दी गई है। एक तरीके का जबरदस्त जो है जनता के ऊपर अधिकारों का हनन करते हुए इस तरह के प्रावधान को लागू किया गया है। अगर आप इस प्रावधान को लागू करना ही चाहते हैं तो जनता को पब्लिक रिलेशन के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से, समाचार पेपर के माध्यम से ये बताना अनिवार्य था, ताकि हमारी देश की जनता जान सके। और इस चीज़ का और 1000 रुपया लेना तो सरासर गलत है। अगर करना भी है तो आधार का पैन के साथ लिंक करना फ्री में होना चाहिए, मुफ्त में होनी चाहिए, क्योंकि लिंक कराने के लिए आपको पेनाल्टी के तौर पे जो 1000 रुपया वसूला जा रहा है, ये जनता के साथ सीधा छलवा है। और छलवा के अलावा इसकी और कोई हम तो कलकत्ता में काम करते हैं। एक मित्र ने बताया कि पैन कार्ड से आधार का लिंक नहीं होगा तो खाता बंद हो जाएगा। हम तो काम करने वाले गरीब आदमी है, बड़ा बाजार में 8000 रुपया के महीने पर। तो एक आदमी ने बोला कि लिंक नहीं होगा तो सब बंद हो जाएगा। ये तो बहुत होना चाहिए। 100 रुपया, यहाँ तक 1000 रुपया, 4 परिवार है, 4000 रुपया लगेगा, घर संसार कैसे चलेगा। काला धन विदेश से मोदी जी बोले थे कि निकालेंगे, ये तो भारत में गरीब लोग से असूली कर रहे हैं। ये तो गरीब आदमी मर जाएगा। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी पूरी हो रही है। गैस सिलेंडर का जहाँ 5 रुपया 450 रुपया था, वहाँ 1100 रुपया दिया जा रहा है। हैं, गरीब आदमी तो ऐसे ही मर रहा है। उसके बाद में ये लग गया आधार का पैन कार्ड से आधार को लिंक करो, 1000 रुपया, 4 परिवार है, 8000 रुपया कमा रहे हैं, तो घर कैसे चलेगा। आपका नाम? शंभू नाथ तिवारी। नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेट और हे रेशन कार्ड अपडेट, ये अपडेटेड जो झमेला झूठ झमेला, ये साधारण पब्लिक के सब समय झेलते हो। आज के हमें जेदिन के सरकार एस देखी एक एक मैंडेटरि पर एस जा प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो बल जो आधार कार्ड मैंडेटरि नय भोटार कार्ड हम ही तक सुप्रीम कोर्टर नियम बिुद्धे आर सरकार एम भाव सिसटेम करल जानने हमें आधार कार्ड के अलरेडी मैं आनअफिसियी वो मैंडेटरि कर देपे आधार कार्डर पर पैन कार्ड और पैन कार्डर संगे जो लिंक हो लिंक जदि यही कारण थे जे ब्लैक मानी धरार जो अने ब्लैक मानी धरार जो पैन कार्ड और आधार कार्डे लिंक करा बेस भलो कथा क्योंकि जनगणर का यकम एतगुलो टाक पैसा नहीं तर धरार की मान आ एक प्रतियोगितामूलक परीक्षा जो परीक्षा दीते जाए लोके से प्रतियोगितामूलक परीक्षार खर्चा जावतियों खर्चा तरह स्टूडेंट है तरह एक कारण आज क्योंकि जनगणर का प्रत्येक पैन कार्ड और आधार कार्डे लिंकर जो 1000 टाका नेवा एक मैं साधारण परिवार एरकम भाव ने मैं साधारण एक बोझाई जा जनगण के चूसे नवर एक आलदा फोन थे। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि काम विदेशों से काला धन लाएंगे, बेरोजगारी कम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। अभी देख रहा हूँ दिन पर दिन जो है जो ये सब चीज़ें जो महंगाई बढ़ती जा रही है, LPG के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, मार्केट में हर चीज़ों का दाम, GST, ये सब इतना प्रेशर आ गया लोगों के ऊपर कि वो अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना। और मेरी मोदी सरकार से गुजारिश है कि 1000 रुपये जो काटा जा रहा है बिल्कुल गलत है और लोगों के खाते में वापस किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1000 रुपये एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है। मान लीजिए अगर किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में 3 सदस्य हैं जिनका पैन कार्ड वगैरह है, या मोस्ट प्रोबेबली अभी देखा जाता है कि सभी के घर में हर लोगों के पास अपना अपना पैन कार्ड है, तो एक अगर आम मिडिल क्लास फैमिली के अगर घर में 3 पैन कार्ड है
तो उनके 3,000 रुपये लग जाएंगे। इसे आप 1,000 रुपये मत देखिए, नंबर ऑफ पर्सन देखिए। और आज के दौर में जिस हफ्ते महंगाई चल रही है उस पर सरकार द्वारा दी गई ये एक और मार, ये जनता के लिए हितकारी नहीं है। जनता को इससे बहुत तकलीफ है और जनता के अंदर इसका बहुत आक्रोश है। सरकार ने काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं पैन कार्ड को एक देश में लाने का। इससे जितने सारे अमीर को जितने लाभ है उससे ज्यादा गरीब को लाभ मिलते हैं। पैन कार्ड का लिंक आधार कार्ड से करवाने का ये जरूरी है। लोगों का आइडेंटिफिकेशन पहले भी होता है और पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने से पैन कार्ड का जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध योजनाएं हैं, टोटल सेंट्रल सरकार के द्वारा 42 योजनाएं चल रही हैं, तीसरा आवास योजना, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना प्रधानमंत्री द्वारा, तो इसके अंतर्गत अगर वो आधार कार्ड से पैन कार्ड का लिंक नहीं करवाते हैं तो सरकार किस बेसिस पर देगी कि हमारे देशवासियों का एड्रेस है, कौन आइडेंटिफिकेशन है। ये जो तो पहला जो है कि आधार कार्ड से एक आइडेंटिफिकेशन पता चलता है और पैन कार्ड से हमारे देशवासियों का जो इनकम सोर्स है और जो लाभान्वित होता है, तो सरकार ने दोनों को कर दिया कि हम इस योजनाएँ को देख करके घर घर तक पहुँचाएंगे। इसके पहले मैं आऊँ, 2 साल पहले सरकार ने इसके सारे काम की पब्लिसिटी किए गए थे कि आधार कार्ड को अपना लिंक करवाएंगे। काफ़ी योजनाएँ दिए गए थे सरकार के, सब सुविधा भी दिए गए थे सरकार के द्वारा, टेबल छोटे छोटे कॉर्नर भी लगाए गए थे जिससे कि लोग जागरूक हो सके। नहीं जागरूक होने के कारण सरकार के सारी जो सुविधाएं हैं वो डायरेक्ट जो है अपने सेंट्रल टू कस्टमर देशवासियों का वो नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से इसकी परिस्थिति जो है बंगाल में लोग जागरूक नहीं है और सभी स्टेट में काफ़ी जागरूक है, जो इसका प्रतिपक्ष देखा जा रहा है उसके लाभ भी मिल रहे हैं, लेकिन बंगाल में दलदल की ठोकरें खा रहे हैं। 31 तारीख जो डेडलाइन जारी की गई है उसके बाद बताया जा रहा है कि 5,000 की पेनल्टी होगी, तो क्या 31 तारीख के बाद जिनका ITR है उनके लिए ये है नियम कि सभी पैन कार्ड आधार कार्ड धारकों के लिए है जिनका बैंक में अकाउंट है? ये विशेषकर ITR जो रिटर्न लगाते हैं उनके लिए तो विशेष नहीं है, क्योंकि उन लोगों का लिंक पहले भी बहुत लोग लगा चुके हैं और बहुत लगाने का प्रयास। क्या उनके लिए भी आधार कार्ड पैन कार्ड नेसेसरी है या फिर सिर्फ ITR वालों के लिए? नहीं, दोनों वाले, मैंने जिनका पैन इनकम टैक्स फाइल है उनके लिए भी है, और जो आधार कार्ड पैन कार्ड उन्होंने करवाया है जिन लोगों का, जो अब तक भी KYC बैंक में जो नहीं कर, जो अभी तक नहीं लिए हैं, तो डायरेक्ट सरकार ये कर रही है कि अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड का लिंक करते हैं तो सरकार के द्वारा भी जो लाभार्थ डायरेक्ट उनको पहुंचाया जा सके। और यह 31 तारीख का डेडलाइन दिया गया इसलिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर मात्रा में करवाएं और इसका लाभ का उपार्जन करें। 31 तारीख को सरकार का जो 1,000 रुपये का मकसद नहीं है, मकसद है सबको जोड़ना, एक सूत्र में बांधना। हमारे देश में अभी जितने सारे गरीब हैं अमीर की कोई तुलना नहीं है, सब